नमस्कार दोस्तों, बी 31.3 हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट चैप्टर में हम लोग बी 31.3 के बारे में पढ़े थे, उसके कुछ कैलकुलेशन के बारे में कर पढ़े थे। उस कैलकुलेशन को लेके आप कुछ मैथमेटिक्स अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। वो वैल्यूज को लेके अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो अब आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हो। उसका क्वेश्चंस वगैरह, मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, जिससे आप बैठ के घर में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तब बी 31.3 का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़े थे, आज हम लोग उसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे और बाद में बी 31.3 के बारे में कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं द नेक्स्ट पार्ट और द लास्ट पार्ट ऑफ बी 31.3। रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ईच एम्प्लॉयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेल्डिंग एंड ब्राजिंग परफॉर्म्स ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बी 31.3 प्रोसेस पाइपिंग के लिए जो वेल्डर और ब्राजर का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, फॉर दैट रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयर विल बी रेस्पॉन्सिबल एंड दे हैव टू क्वालिफाई द वेल्डर एंड ब्राजर अकॉर्डिंगली। कंडक्टिंग द क्वालिफिकेशन टेस्ट रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द वेल्डर और ब्राजिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन मेड बाई पर्सनल ऑन इट्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट प्रोवाइडेड इन 328.2.1 एंड 328.2.2। In conducting the qualification test required for qualifying welder, brazer and operator except the provided in the para 328.2.3। welding, brazing, operator का क्या requirement बता रहा है? आपको qualification ASME, BPCF, BPBC boiler and pressure vessel code section 9 के हिसाब से करना पड़ेगा। procedure qualification by others। In order to avoid duplication of effort and subject to the approval of the owner, WPS or BPS, WPS welding, BPS brazing क्वालिफिकेशन बाय अ टेक्निकली कंपोनेंट ग्रुप और एजेंसी में बी यूज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग आर मेट। द प्रोसीजर मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एएसएमई बीपीबीसी सेक्शन 9 एडिशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द कोड। द एम्प्लॉयर हैज क्वालिफाइड एटलीस्ट वन वेल्डर ब्रेजर और ऑपरेटर फॉलोइंग ईच डब्ल्यूपीएस एंड बीपीएस। द एम्प्लॉयर बिजनेस नेम शैल बी शोन ऑन ईच डब्ल्यूपीएस एंड बीपीएस। एम्प्लॉयर बिजनेस नेम इज अ इंपॉर्टेंट टर्म when you compare the WPS and PQR, there is a questions always it came, okay, so be careful for that. PQR, performance qualification by others. In order to avoid duplication of effort and subject to the approval of the owner, an employer may accept the performance qualification of welder, brazer, operator made by previous employer. Previous employer ka bhi aap kar sakte ho, provided uska continuation rahega. ठीक है, सेक्शन 9 स्लाइड में आप जाके देख सकते हो, मैं इसको विस्तार में बताया। दिस एक्सेप्टेंस इज लिमिटेड टू परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन दैट आर मेड ऑन पाइप और ट्यूब टेस्ट कूपन्स। द न्यू एम्प्लॉयर शैल हैव द WPS BPS दैट वाज फॉलोड ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन और एन इक्विवेलेंट WPS और BPS। एन एम्प्लॉयर एक्सेप्टिंग सच क्वालिफिकेशन टेस्ट शैल ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन टेस्ट रिकॉर्ड from the previous employer. The record shall show the name of the employer by whom the welder, brazer or operator was qualified. Evidence shall be provided in the welder, brazer and operator has maintained qualification in accordance to QW322, QB322 as per section 9. These are all related to the welder qualifications. B31.3 process piping में जो welder और brazer आएगा उसको हम लोग qualify कैसे करेंगे? अगर कुछ welder और brazer previous qualifications के होंगे तो उसका रिक्वायरमेंट क्या रहेगा उसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में, सेक्शन 9 के स्लाइड में, आप उधर भी जाके चेक कर सकते हो। वेल्डिंग मटेरियल। वेल्डिंग मटेरियल में क्या आता है? फिलर मेटल। फिलर मेटल कैसा रहना चाहिए? वेल्डिंग इलेक्ट्रोड एंड फिलर मेटल इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल इंसर्ट्स शैल बी इन अकॉर्डेंस टू सेक्शन 2 पार्ट सी। सेक्शन 2 पार्ट सी क्या है? फिलर मेटल का है। सेक्शन 2 पार्ट ए बी सी डी, चार पार्ट है। ए फेरस, नाउ टू पार्ट बी नॉन फेरस, पार्ट सी फॉर द कंज्यूमेबल्स एंड पार्ट डी फॉर द प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन फॉर वेल्डिंग। क्लीनिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्फेसेस टू बी थर्मली कट और वेल्डेड शैल बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम पेंट, ऑयल, डस्ट, स्केल, अदर मटेरियल दैट वुड बी डेट्रीमेंटल टू आइदर द वेल्ड एंड बेस मेटल व्हेन इट इज टू बी अप्लाइड। तो हम लोग को प्रिपरेशन ऑफ वेल्डिंग कैसा करना चाहिए? क्लीनिंग बराबर होना चाहिए, उसमें पेंट, ऑयल, डस्ट, स्केल वगैरह सब रिमूव होना चाहिए। एंड प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए? एंड प्रिपरेशन इज एक्सेप्टेबल ओनली इफ द सर्फेस इज रीजनेबली स्मूथ एंड ट्रू एंड स्लैक फ्रॉम ऑक्सीजन और आर्क कटिंग इज क्लीन्ड एंड थर्मेटिकली क्लीन्ड। ओके, एंड प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए? स्पेसिफाइड इन बी 16.25 और WPS। WPS में जैसा दिया गया है उसी हिसाब से एंड प्रिपरेशन भी बनाना चाहिए। इधर कुछ टिपिकल एग्जाम्पल दिया गया है। अगर डिफरेंट थिकनेस होगा, मान लीजिए ये डिफरेंट थिकनेस है, ठीक है, ए साइड का थिकनेस जो है वो साइड का थिकनेस वैसा नहीं है,
तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर चैम्फरिंग करके एक बैकिंग स्ट्रिप लगा सकते हैं, ठीक है, या इधर हम लोग चैम्फरिंग करके इधर बैकिंग स्ट्रिप लगा सकते हैं, उसमें रूट गैप कितना रहेगा, उसको बेबल कितना करना पड़ेगा, बैकिंग स्ट्रिप का कितना थिकनेस रहेगा, वो सब के बारे में आपको 328.3.2 में मेंशन किया गया है। और कंज्यूमेबल इंसर्ट आप जो लगा रहे हो, कंज्यूमेबल इंसर्ट कैसा होना चाहिए, स्क्वायर रिंग, फ्लैट, फॉर्मेट रिंग, वाई टाइप, कौन सा वाला रहेगा, वो भी इधर मेंशन किया गया है। रेफर टू एएसएमबी 16.25 पर डिटेल डायमेंशनल इंफॉर्मेशन ऑफ होल्डिंग एंड्स। होल्डिंग एंड्स कैसे रहेगा, फिर 16.25 में जाके हम लोग चेक कर सकते हैं। या आपको कोई जॉइंट का अगर डायमेंशन देखना है, आप अगर बेबल प्रिपरेशन कर रहे हो, बेबल को कैसे प्रिपेयर करना है, दिस इज यूजुअली रिकमेंडेड, ऑल द प्रोसेस पाइपिंग्स यू हैव टू डू लाइक दैट। इफ इट इज ए बेबल, इट शुड बी 37.5 प्लस माइनस 2.5। इफ इट इज ए जे ग्रुप, 20 डिग्री प्लस माइनस 2.5, एंड द लैंड शुड बी 5 mm। उसका जो इट इज नॉट लैंड, इट इज द चैम्पर, जो रेडियस बनाया गया है, रेडियस शुड बी 5 mm। ओके, अगर डिसिमिलर मेटेरियल है तो 30 डिग्री में हमको उसको चैम्पर करना पड़ेगा, या फ्लैट में हम लोग जाके राउंड कॉर्नर करके 30 डिग्री चैम्परिंग करना कर सकते हैं। इधर रूट फेस कितना होना चाहिए, रूट गैप कितना होना चाहिए, रूट फेस शुड बी 1.5, रूट गैप कितना होना चाहिए, दैट ऑल द थिंग्स इट इज मेंशन, एंड इट इज डिवाइडेड, वॉल थिकनेस 6 to 20 mm, एंड इट इज ओवर 22 mm, ओवर 22 mm है तो इसी तरह का डिजाइन बनाना है, 6 to 22 mm है तो इसी तरह का डिजाइन बनाना है, ठीक है। ये बी 31.3 का डिजाइन क्राइटेरिया। वेल्डिंग रिक्वायरमेंट, ईच क्वालिफाइड वेल्डर एंड वेल्डिंग ऑपरेटर शैल बी असाइंड एंड आइडेंटिफाइड सिंबल्स। सब वेल्डर और वेल्डिंग ऑपरेटर का एक सिंबल रहना चाहिए, नहीं तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। वेल्ड्स इंक्लूडिंग एडिशन ऑफ वेल्ड मेटल फॉर अलाइनमेंट एंड शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिफाइड प्रोसीजर बाय ए क्वालिफाइड वेल्डर और वेल्डिंग ऑपरेटर। टैक वेल्ड ऑफ द रूट ऑफ द जॉइंट शैल बी मेड विद फिलर मेटल इक्विवेलेंट टू दैट यूज्ड इन द रूट पास। आप जो टैक वेल्ड कर रहे हो, दैट शुड बी द सेम विद द पिलर मेटल इक्विवेलेंट टू यूज द रूट पास। रूट पास में अगर जिटाओ में आप कार्बन स्टील का पिलर वेल्ड यूज कर रहे हो तो उसका टैक भी उसी में होना चाहिए। टैक वेल्ड शैल बी मेड बाय क्वालिफाइड वेल्डर। टैक वेल्ड कोई अनक्वालिफाइड वेल्डर नहीं कर सकता है। अगर अनक्वालिफाइड वेल्डर करेगा तो उधर क्रैक आ सकते हैं, कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ सकते हैं, बाद में ओरिजिनल वेल्डिंग में वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्वालिफाइड वेल्डर या क्वालिफाइड वेल्डिंग ऑपरेटर ही सेम टैक को करेगा। टैक वेल्ड शैल बी फ्यूज्ड विद द रूट पास वेल्ड एक्सेप्ट दैट दोज हैव क्रैक्ड शैल बी रिमूव्ड। अगर कोई टैक वेल्ड है तो रूट पास में उसको फ्यूज कर देंगे, नहीं तो अगर कोई क्रैक जॉइंट है तो उसको रिमूव करके उसको MPI नहीं तो PT करके एंश्योर करेंगे कि क्रैक ऑलरेडी रिमूव हुआ बोल के। ब्रिज टैक अबव द वेल्ड शैल बी रिमूव्ड। अगर कोई ब्रिज टैक है वेल्ड के ऊपर में उसको काट के निकाल दिया जाता है। पिनिंग इज प्रोहिबिटेड। दीज आर सम ऑफ द वेरी फ्यू पॉइंट्स व्हिच आर मोस्ट प्रोबेबली कम इन द क्वेश्चंस। टैग वेल्ड कैसा होना चाहिए, टैग वेल्डर के लिए क्वालिफाइड वेल्डर होगा कि नहीं होगा, टैग वेल्ड का मेटेरियल क्या होना चाहिए, पिनिंग इज अलाउड और नॉट, पिनिंग इज प्रोहिबिटेड, इट इज नॉट अलाउड, नो वेल्डिंग शैल बी डन इफ देयर इज ए इंपीचमेंट ऑफ द वर्ल्ड एरिया ऑफ रेन स्नो स्लीट और एक्सेसिव विंड। अगर ये सब कंडीशन है तो वेल्डिंग अलाउ नहीं कर सकते है। The welding sequence and procedure and any heat treatment for the welding shall be such as preserve the seat tightness of the bulb. So these are the some of the welding requirements which we have to follow. Welding operator का qualification रहना चाहिए, उसको एक identity card मिलना चाहिए, वो कैसे welding करेगा, joint tack weld कैसे करेंगे, tack weld का material क्या रहेगा, pinning नहीं allow करेंगे. So those are the requirements of welding during welding, and there is always the expected. Some questions will come from these chapters. Welding repair. Repair कैसे करेंगे? A weld defect to be repaired shall be removed to sound metal. Repair weld shall be made using a welding procedure qualified. आप अगर कुछ repair कर रहे हो, तब आपको एक procedure maintain करना पड़ेगा. Welding procedure एक बनाना पड़ेगा कि how you need to do the repair. कहाँ पर problem आया है? आप उसको कैसे repair करोगे? First you need to remove the repair area. Then how much extension you have to do on both the side, who is the qualified welder, what WPS will be used, that all the things you need to be mentioned. So ye kya bol raha hai, repair weld shall be made by a welder or welding operator who is qualified. Only qualified welder can do the repair. Preheating and heat treatment shall be required in the original welding.
जब ओल्डिंग होने के बाद, रिपेयर होने के बाद अगर जरूरत पड़े तब हम लोग उसका प्री हीटिंग और पी डब्ल्यू एच टी भी मेंटेन करेंगे। प्री हीटिंग क्या है? द प्री हीटिंग रिक्वायरमेंट हियर इन अप्लाई फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ होल्डिंग्स इंक्लूडिंग टैक वेल्ड, रिपेयर वेल्ड एंड सील वेल्ड। तो प्री हीटिंग हमको टैक वेल्ड, रिपेयर वेल्ड और सील वेल्ड के लिए के भी चाहिए। टैक वेल्ड हो या रिपेयर वेल्ड हो, इट शुड बी कंसिडर्ड एज द प्रिलिमिनरी वेल्ड। प्रिलिमिनरी वेल्डिंग के टाइम में आप जो जो चीज कंसिडर करते हो, जो जो सेफ्टी लेते हो, जो फैक्टर को आप कंसिडर करते हो, प्री हीटिंग, पोस्ट हीटिंग, क्वालिफाइड वेल्डर, क्वालिफाइड कंज्यूमेबल्स, अप्रूव्ड कंज्यूमेबल्स, कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट्स, ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द टैक वेल्ड एंड सील वेल्ड और रिपेयर वेल्ड। ओके, एक टेबल है प्री हीटिंग का जिसमें पी नंबर वन के हिसाब से, उसका टेम्परेचर के हिसाब से 330.1.1 इसमें दिया गया है कि कार्बन स्टील पी वन लेस देन 25 mm उसके लिए कितना प्री हीट करना है। सो दिस टेबल यू नीड टू रिफर फॉर बी 31.3 इन ऑर्डर टू फाइंड व्हाट इज द प्री हीटिंग टेम्परेचर रिक्वायर्ड एज पर द मटेरियल एंड एज पर द थिकनेस। हीट ट्रीटमेंट सिमिलरली मैं आपको जैसे प्री हीट का बताया, PWHT के लिए 331.1.1 टेबल को आप रेफर करोगे जिसमें बताया गया है कि 331.1.1 में टेम्परेचर के हिसाब से, थिकनेस के हिसाब से और मेटेरियल ग्रुप के हिसाब से P1 ग्रुप नंबर 1, P3, P5, P8 वट एवर द मेटेरियल इट में भी उसके लिए कितना PWHT टेम्परेचर चाहिए उसके लिए आपको 331.1.1 को फॉलो करना पड़ेगा। बेंडिंग एंड फॉर्मिंग पाइप में भी बेंड और कंपोनेंट्स में भी फॉर्म्ड बाय एनी हॉट और कोल्ड मेथड दैट इज सुइटेबल फॉर द मटेरियल द फ्लूइड सर्विस एंड द सेवेरिटी ऑफ द बेंडिंग एंड फॉर्मिंग प्रोसेस। वन, द फिनिश्ड सरफेस शुड बी फ्री ऑफ क्रैक एंड सस्टेनेबली फ्री फ्रॉम बकलिंग्स। कोई भी बेंडिंग अगर फॉर्मिंग ऑपरेशन हो रहा है तब हमको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फर्दर जाके चेक करना पड़ेगा कि कोई क्रैक नहीं आया होगा। ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी क्रैक, देयर शुड नॉट बी एनी बकलिंग्स। ओके, असेंबली एंड डायरेक्शन। Piping distortion, any distortion of the piping to bring it into alignment for joint assembly that introduces a detrimental strain in equipment of piping components is prohibited. तो assembly करने के time में हमको क्या क्या चीज देखना पड़ेगा, that is pipe distortion. अगर कोई piping distortion हुआ है, distortion means it deviates from its original position is called distortion. अगर कुछ हुआ है तो उसको भी consider करेंगे. Cold springs, flanged joints, all these things during assembly and erection, what are the things we have to consider? All these things have mentioned here. Okay, flange bolt holes shall be aligned within 3 mm. These are the requirements. Okay, before bolting, mating gasket contact surface shall be aligned each other within 1 mm to 200 mm. So these are the requirements we have to check. These are the tolerances we have to check during assembly and erection. You have to read one by one and you have to remember it. So inspection hum log kya kya karenge? This code distinguishes between examination and inspection. There is two things, examination and inspection. Inspection applies to functions performed for the owner by the owner's inspector or the inspector delegates. Reference to this code to the inspector or the owner's inspector or the inspector delegates. It is the owner's responsibility exercised through the owner's inspector to verify all required examinations and testing have been completed and to inspect the piping to the extent necessary to satisfy that it confirms all the applicable examination requirement of the code. Inspector या examiner जो है, he is authorized by the owner. उसका काम है ensure करना कि जो product बना है, वो product का requirement जो API B31.3 में दिया गया है, that is meeting the requirement. The owner, inspector and the inspector delegates shall have access to any place where work concerned with the piping installation is being performed. जहाँ पर काम हो रहा है, owner, inspector और inspector delegate उधर जा सकते हैं. The owner, inspector shall be designated by the owner and shall be the owner and employer of the owner, the employer of the engineering or scientific organization. वो क्या बता रहा है? उसका requirement क्या होना चाहिए? अगर कोई owner, engineer है, उसका requirement क्या होना चाहिए? 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस इधर डिजाइन और फैब्रिकेशन में होना चाहिए, कोई AWS QC 1 करना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस उसमें दूसरा चीज में होना चाहिए। सो ऑल दिस रिक्वायरमेंट्स द ओनर इंस्पेक्टर शुड हैव। इफ यू वांट टू बी ओनर इंस्पेक्टर तब आपको ये सब इंस्पेक्शन का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये सब क्वालिफिकेशन आप मीट करना चाहिए। एग्जामिनेशन क्या है? Examination applies to quality control functions performed by the manufacturer, fabricator and erector. Reference to this code to an examination is to the person who performs quality control examinations.
एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग मटेरियल कंपोनेंट वर्कमैनशिप इन अकॉर्डेंस टू कोड रिक्वायरमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, परफॉर्मिंग ऑल रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रिपेयरिंग सुइटेबल रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब हम लोग चेक करते हैं। बाद में आता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा दिस टेबल्स। ओके, सी द टेबल 3.1.3 फॉर द वेल्ड्स, फॉर रेडियोग्राफी 3.1.3.2, मैग्नेटिक पार्टिकल, लिक्विड, अल्ट्रासोनिक और कास्टिंग के लिए दिस फॉलोइंग पैरास वी हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू सी whether the acceptance criteria have been met. Okay, these are some of the diagrams it shows in B31.3, where it shows what type of defect it is and how you can find out. Sidewall lack of fusion. Okay, this is sidewall lack of fusion. Lack of fusion between adjacent passes. Okay, ek pass ke baad dusra pass mein kuch problem aaya hai, this is called lack of fusion. And here it is incomplete penetration due to internal misalignment. It is called incomplete fusion also. Okay. Then this is incomplete penetration of the groove weld. Idhar kya hua hai? Concave root ho gaya. This is called undercut and this is called excess external reinforcement. Idhar upar mein kya ho gaya? Jyada reinforcement aa gaya. Okay. Reinforcement generally 1.5 to 2 mm tak allow karte hain. तो इधर दिया गया है 3.1.3.2 जो बोला था उसमें कितना तक हम लोग एक्सेप्टेंस वैल्यूज कंसीडर करते हैं, एक्सटेंट ऑफ इम्परफेक्शन क्या है और कितना तक हम लोग उसको अलाउ करते हैं, एलंगेटेड इंडिकेशन अगर है, अंडरकट अगर है, तो हाउ मच वी आर अलाउइंग, दिस इज मेंशनड इन 3.1.3.2। व्हेनेवर यू फाइंड सम डिफेक्ट्स इन एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन यू हैव टू वेरीफाई विद दिस चार्ट टू मेंशन टू आइडेंटिफाई वेदर दिस डिफेक्ट इज अलाउड और नॉट। Acceptance criteria for weld, visual and radiographic examinations, this is the same. Here is all is mentioned. We have to check one by one whether this is allowed or not. Okay, this all for reference only. Examination personal, examination जो examine कर रहा है उसका क्या requirement होना चाहिए? Personal performing non-destructive examination of the requirement of this code to be qualified and certified for method be utilized following the procedure described in BPBC section 8 article 1. Okay. Type of examination, 100% examination, complete examination, random complete examination of a percentage, spot examination kya hai, partial examination ko bolte hain spot examination, random spot a partial or specified examination ko bolte hain random spot examination. So like this, all this examination, kitna type ka examination hum log kar sakte hain process piping mein, wo idhar mention kiya gaya hai. Testing. Prior to initial operation and after completion of the applicable examination required by Para 341, each piping system shall be tested to ensure tightness. Testing is the last one. Aapka inspection or examination hone ke baad material selection kiya gaya, baad mein kuch consider kiya gaya, kuch calculation kiya gaya, design ko consider kiya gaya, usko inspection kiya gaya, uska examination kiya gaya, ye sab khatam hone ke baad hum log last chapter mein jo aate hain, that is called testing. Testing mein kya kiya jata hai? At the owner option, a piping system in category D fluid may be subject to an initial service leak test in accordance to 345.7. When the owner consider a hydrostatic leak test impracticable, either a pneumatic test in accordance to 345.5. More, I can say, all these test requirements are decided by the owner engineers or owner inspector. He has to decide what type of test is required for that particular service. Okay. General requirement of leak testing, leak testing mein kya kya kiya jata hai? Preliminary pneumatic test. A preliminary pneumatic test is air no more than 170 kPa or 25 psi. Examination for leaks, the leak test pressure shall be maintained for at least 10 minutes. 10 minute tak minimum maintain kiya jata hai. Okay. 345.2.2 clause number. Heat treatment. Leak test shall be conducted after any heat treatment has been completed. लीक टेस्टिंग हीट ट्रीटमेंट से पहले नहीं हो सकता है, अगर किया गया है तो दोबारा करना पड़ेगा. लो टेस्ट टेम्परेचर, द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिटल फ्रैक्चर शैल बी कंसीडर्ड व्हेन कंडक्टेड लीक टेस्ट एट मेटल टेम्परेचर नियर द डक्टाइल ब्रिटल ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक लीक टेस्ट प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज अ फॉर्मुला व्हिच यू नीड टू रिमेंबर एंड देयर इज अ क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ क्वेश्चन. PT इज इक्वल 1.5 PST डिवाइडेड बाय S. P इंटरनल डिजाइन गैस प्रेशर, PT minimum design gas test pressure, S is allowable stress and ST is allowable stress at the stress temperature for the prelimin pipe materials. So this is must. There is a questions for the hydrostatic leak test.
हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट ऑफ पाइपिंग विद वेसल एट अ सिस्टम, दिस इज अ क्वेश्चन कॉल्ड 77%, दैट यू नीड टू रिमेंबर. व्हाट इज दिस 77%? वेयर द टेस्ट प्रेशर ऑफ द पाइपिंग एक्सीड द वेसल टेस्ट प्रेशर. जहां पर पाइपिंग का टेस्ट वेसल टेस्ट प्रेशर से ज्यादा होगा, इट इज कंसिडर्ड प्रैक्टिकल टू आइसोलेट द पाइपिंग फ्रॉम द वेसल. पाइपिंग को वेसल से निकाल दिया जाएगा. बट द पाइपिंग एंड द वेसल मे बी टेस्टेड टूगेदर एट द वेसल टेस्ट प्रेशर, provided the owner approved the vessel test pressure is not less than 77 of the piping testing pressure. अगर piping और pressure vessel दोनों लगाया गया है और piping का test pressure vessel से कम है, तब हम लोग उसको test नहीं कर सकते हैं. मगर कर सकते हैं, code apply करता है, allow करता है. कब? जब 77% of the vessel test pressure has achieved और वो टेस्ट प्रेशर पाइपिंग के साथ अगर मैच होता है, तब हम वो दोनों को मिला के कर सकते हैं. दैट इज द एएसएमई B31.3 रिक्वायरमेंट. ओके, 77% इज अ क्वेश्चन, रिमेंबर इट. न्यूमेटिक लीक टेस्ट क्या है? पर्टिकुलर केयर मस्ट बी टेकन टू मिनिमाइज द चांस ऑफ ब्रिटल फ्रैक्चर ड्यूरिंग न्यूमेटिक टेस्ट. ए प्रेशर रिलीफ डिवाइस शैल बी प्रोवाइडेड हैविंग अ टेस्ट प्रेशर नॉट हायर देन द 50 psi. द टेस्ट गैस that the test used as the test fluid is not air, shall be non-flammable and non-toxic. Okay, test gas jo use hota hai wo air use, if not air, agar usually air use hota hai, jahan par air use nahi ho sakta hai wahan par non-flammable or non-toxic use karna padega. Theek hai, aur the test pressure shall not be less than 1.1 times and the design pressure shall not exceed lesser than 1.33 times. So these are some of the questions which you need to remember. Okay, आने का चांसेस बहुत है. हाइड्रोस्टैटिक न्यूमेटिक लीक टेस्ट, द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूमेटिक लीक टेस्ट शैल बी मेट एंड द प्रेशर ऑफ द लिक्विड फील्ड पार्ट ऑफ द पाइपिंग शैल नॉट एक्सीड फॉर अ लिमिट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लीक टेस्ट. इनिशियल सर्विस लीक टेस्ट कैटेगरी डी फ्लूइड के लिए किया जाता है. द टेस्ट फ्लूइड इज द सर्विस फ्लूइड जिसमें सर्विस लीक टेस्ट किया जाता है. सेंसिटिव लीक टेस्ट क्या क्या है? सेंसिटिव लीक टेस्ट है, द टेस्ट शैल बी ए बबल टेस्ट. बबल टेस्ट के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े थे और आगे एक चैप्टर में बबल टेस्ट के बारे में विस्तार में भी पढ़ेंगे. ठीक है, अल्टरनेटिव लीक टेस्ट जो है, अल्टरनेटिव लीक टेस्ट हम लोग उसको बोल सकते हैं गोल्डन जॉइंट, आप जिसको बोल रहे तो बोलते हो. जहां पर लीक टेस्टिंग नहीं हो सकता है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं? एडिशनल एनडीडी वगैरह करते हैं. ओके, वर्ड्स इंक्लूडिंग दोज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर होल्डिंग बुक्स और फिटिंग सब्जेक्ट टू आर न्यूमेटिक टेस्ट लीक टेस्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस. This is called alternative leak test. तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए. आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा. आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग B31.3 के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों.